एक बार आता ऊपर आओ आई चुनवा मुनवा के तैयार कर दिए नहाए नहाए पहना दिए नानी घर ले जाए बताइए तो तनी परब्बा में छोड़ के। सुनी भाभी सुनिए हम ये सुने कि दिवाली है छठ है ईद है बकरीद है जो साले साल त्योहार आता है। अच्छा ये कौन सा त्योहार है जो पाँच साल में एक बार आता है जरा बताइए। बताइए तनी खाए पिए वाला पर्व याद रहेगा साले साल भर में जो आता है आई जो महान पर्व आता है पाँच साल में एक बार वो आपको याद नहीं है तो कहाँ याद रहेगा। हाँ अभी मेरा भी याद आ गया। पहले इधर आइए भाभी इधर आइए। सही बता रहा है मेरा भाई लोकसभा का भी वहाँ पर्व चल रहा है। हर पर्व एक साल पर आता है लेकिन एक पर्व पाँच साल में एक बार आता है। अगर आप नैहर चल जाइएगा मिठाई के लोभ में पाँच गो साड़ी के लोभ में आपको बदले में भुटवा के देगा। अरे भुटवे के बारे में बता रहे थे हम। भुटवे के बारे में ना जानती है एक वोट से हमारा सरकार बनता भी है बिगड़ भी जाता है पता है। तो क्या करेंगे बताइए ना। वोट देने के लिए बड़े बड़े लोग आते हैं वोट दो एक बार वोट देते हैं पाँच साल के लिए झूल जाते हैं तो क्या फायदा इस वोट का। अरे ठीक है दम सही तुम बोल रही हो। बड़ा बड़ा लोग आता है वोट मांग लेता है और चल जाता है वोट वहाँ मांग के। अरे इनको देखिए 500 में अगले साल में बिक गए थे। हाँ पाँच साल में बिक गए पाँच साल में बिक गए और एक साल वोट दे दिया पाँच साल झूल गए अभी तक इनका वृद्धा पेंशन नहीं बना। बताइए तो वही तो बात हम बताने आए हैं। बात ठीक कर रही हो तू बेटी। पिछले बरस हम बिक गए थे पाँच साल में और गलत प्रत्याशी को मैंने चुन लिया था वोट दे दिया था। सुन लो तू जो नैहर जाने के लिए जिद कर रही हो पांच तरह के मिठाई खाओगी पांच तरह के मिठाई खाओगी और पांच तरह के साड़ियां पहनोगी तो आप समझ लो ये से काम चलने वाला नहीं है। अच्छा ये जो हमारा समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र है इसमें हमारा जो हाया घाट है विधानसभा क्षेत्र उसी में आता है। ये क्षेत्र जो है हमारे चिराग भैया ने चिराग पासवान जी को है इसमें एनडीए सरकार का गठबंधन है। हमारे मोदी जी हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे जीतनराम मांझी जी का ये एनडीए सरकार है उसमें हमारे प्रत्याशी ये संभावित दीदी है इनकी चुनाव चिन्ह जो है हेलीकॉप्टर छाप है और यही तेरा को वोट है। अब बताओ बेटी तू तो पढ़ी लिखी है तू अपने नैहर को भी समझा सकती हो ससुराल वाले के भी बता सकती हो तुम बताओ कि क्या होनी चाहिए। बताओ बताओ आप पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वोट देना बहुत जरूरी है। एक वोट हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। एक वोट से हमारा सरकार बनता है और एक ही वोट से हमारा सरकार बिगड़ता है इसीलिए हमारे वोट को समझना होगा है कि नहीं। इसीलिए हम नैहर नहीं जाएंगे सबसे पहले वोट देने जाएंगे। अभी तुमको दिमाग खुला है उसके बाद ही हम जाएंगे नहीं है, है ना नहीं तो ये 500 में बिक जाएगा और फिर मेरा चुनुआ और मुनुआ का क्या होगा। अच्छा इसीलिए हम वोट देने के बाद ही जाएंगे। आप जो बोले ना बाबा कि हमारी संभावित दीदी प्रत्याशी के रूप में जो खड़ी हुई है वो दो दिन पहले हमारे गाँव में आई थी। जरूर जरूर वो ना संभावित दीदी जो है वो अशोक चौधरी जी की पुत्री है और पढ़ी लिखी एक महिला युवा है जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ लिख करके आई है अर्थशास्त्र का पढ़ाई की है आपको पता है। और इतना ही नहीं देखिए वो पढ़ी लिखी महिला होने के बावजूद भी देखिए उनके जो ससुर जी है उनका वहाँ पटना में महावीर कैंसर हॉस्पिटल है जहाँ पे गरीबों का मुफ्त में इलाज होता है। अच्छा। और इतना ही नहीं उनका ट्रस्ट चलता है जहाँ पे महिलाओं का गरीबों का मुफ्त में इलाज होता है। तो सोचिए जब वो प्रत्याशी के रूप में चुनी गई ही नहीं है फिर भी इतना कार्य कर रही है तो सोच लीजिए अगर वो जीत जाती है तो क्या कुछ नहीं करेगी। पहले आप खाना कोची पर बनाते थे पहले गैस चूल्हा पे बनाते थे अब क्या पे बनाते हैं पहले लकड़ी पे बनाते थे अब क्या चूल्हे पे बनाते हैं। और इतना हमारे जो मोदी सरकार है वो क्या कुछ नहीं किए हैं महिला के लिए क्या किया है। हम महिलाओं के लिए देखिए पहले महिलाएं खुले में जाती थी सोच करने के लिए लेकिन आज महिलाएं शौचालय में जाती है मोदी जी ने दिया है महिलाओं को सम्मान। और तो और महिला के नाम से ससुराल में घर होता था कभी नहीं होता था लेकिन आज जो है मोदी जी मोदी है तो मुमकिन है यानी कि देखिए हमारे मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं है कि नहीं। यानी कि पहले महिलाओं का अपने नाम का पक्का घर नहीं हुआ करता था लेकिन आज पहले झोपड़ी था तो आज मोदी जी के कारण ही हमारे नाम का पक्का घर मिला है ना। और इतना ही नहीं देखिए मोदी जो कहते हैं वो करते हैं जैसे कि राम मंदिर का बनना और 370 का हटना और 3 तलाक का पास होना और इतना ही नहीं हमारे भाइयों को
किसान सम्मान निधि के तहत मिला साल 2000 रुपया मिला है, मिला है लेकिन 6000 रुपया मिलता है सालाना। सोचिए इतना ही नहीं, आयुष्मान कार्ड के द्वारा हम गरीबों को मिला है 5 लाख तक का इलाज करने का मुफ्त में। सोचिए तो इतना कुछ मिला है। इतना ही नहीं, पहले महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी 6 बजे के बाद, लेकिन आज निकलती है। और शिक्षा में देखिए, महिलाएं जो पढ़ लेती है, अच्छा मार्क्स लाती है, उन्हें छात्रवृत्ति मिलता है, उन्हें प्रोत्साहन करने के लिए लैपटॉप मोबाइल मिल रहा है ताकि पढ़े और आगे बढ़े, और बढ़ ही रही है। ड्रेस भी मिलता है, यूनिफॉर्म भी मिल रहा है। तो सोचिए हमारी सरकार क्या कुछ नहीं कर रही है। पहले घर से लड़कियां निकलती नहीं थी पढ़ने के लिए, लेकिन आज लड़कियां निकल रही है। क्या कुछ नहीं कर रही है, एरोप्लेन चला रही है, बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रही है। और इतना ही नहीं, अभी तो हमारे गाँव में देखिएगा टोटो भी चलाती है। हां चलाइए, करती है। चलिए इनके लिए नारा लगाइए। हां तो एक बार जोर से नारा लगा, संभव संभव दे, चिराग भैया, चिराग भैया जिंदाबाद। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आपकी बटन कहाँ दबेगी, छाप जहाँ रहेगी। आपकी बटन कहाँ दबेगी, छाप जहाँ रहेगी। 1 2 3 4 संभावित दीदी जय जयकार, 1 2 3 4 संभावित दीदी जय जयकार। जी बताइए, अभी जो नुक्कड़ नाटक हो रहा था कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या समझा रहे थे? देना है, वही ससुराल जाने के बाद था ना, वोट दे के जाएंगे। मतलब साली से मुलाकात बाद में करेंगे, वोट देंगे पहले। अच्छा, चिराग भैया को देंगे? चिराग भैया को का है, चिराग भैया को का देंगे, देखेंगे जिसका अथी है। अच्छा ये बताइए, कैसा माहौल, कैसा लग रहा है? ये जो माहौल अच्छा है, किसके पक्ष में माहौल लग रहा है? अभी चिराग भैया इधर माहौल है, चिराग भैया। मतलब पासवान है तो पासवाने को वोट देना है। अच्छा, ये शाम्भवी चौधरी को जानते हैं कौन है? हम नहीं जानते हैं, लेकिन चिराग भैया को जानते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? लिखा दे ललित पास, ललित पास लगल। ये सब की बतबे छलखिन ने खान बतेलखिन त हम सब यहां पर देबे। हां कथी पर? हेलीकॉप्टर। हां हेलीकॉप्टर पर। अच्छा, तो कम में जोर से बाजी छी, डर लगे की? हां डर नहीं, वो एक बार और आयल छलखिन, एक बार और आयल छलखिन, एक बार और आयल छलखिन, दोसर माने लड़की छलखिन आ दोसर इंसान। हां हां प्रचार कके गेलखिन, तो ई जे समझावे छलखिन नाटक में, नहीं ते कके गेलखिन छले एक बार। अच्छा, एक बार कके, तो नाटक में की समझावे छले? या समझेलखिन सब जे पहले वोट दिया तके बाद सासुर जाओ नहीं हर जाओ, सह ना? खूब हंसी लगे अहाँ के? हंसलक की नहीं? हंसलक। अच्छा, ककर बढ़िया लग रहा है एरिया में? ककर बढ़िया लग रहा है, स्थिति ककर लग रहा है? ककर की नाम छले? हाँ जे अखन प्रचार कल के हन, तो वो कौन छाप छले? हेलीकॉप्टर छाप। कौन छाप? हेलीकॉप्टर छाप। अच्छा, तो हुनकर सबके छे पति बढ़िया? अच्छा, मोदी जी सब मतलब लगा हुआ कि नहीं? लगा हुआ मोदी जी किस केलखिन हन कि नहीं? की नाम भेले अहाँ के? नाम लिख ले। अहाँ के नाम की भेले? में कहियो मलिया देवी। मलिया, मलिया देवी। ये बताइए कि अभी जो ये नुक्कड़ नाटक हो रहा था कैसा लगा? खूब अच्छा, खूब अच्छा। ये नुक्कड़ नाटक के माध्यम से क्या बता रहे थे लोगों को? बहुत अच्छा बतलाए हैं। क्या सब? खूब बतलाए हैं, बहुत अच्छा बतलाए हैं। हाँ, बहुत से विषय में बोले हैं। क्या? हाँ, जैसे कि अब अभी नहीं है सासुर, नहीं जाना है, एक पर्व जो है तो करके जाना है, इधर उधर नहीं भटकना है। कहीं लोग प्रदेश कमाने, हाँ कहीं लोग प्रदेश कमाने के लिए जा रहा है, वो भी अभी नहीं जा रहा है कि पर्व को निर्वाह करके तब जाएंगे। मतलब ये वोट करना महापर्व है, महापर्व है 5 साल के लिए। अच्छा, तो अभी ये किसका प्रचार कर रहे थे लोग? ये जो प्रचार कर रहे थे अभी, जो टी शर्ट में लिखा हुआ है, किसका प्रचार है? हाँ, ये हेलीकॉप्टर छाप है। किसका है? ककर छे? कौन पार्टी के? चिराग पासवान। केहन लग रहा है स्थिति? खूब बढ़िया, खूब बढ़िया। ककर भी स्थिति बढ़िया है? खूब बढ़िया। सब ने कहा पड़ते हैं क्षमा। तो मोदी जी के या राहुल गांधी के, ककरा चुनबे अहाँ सब? हमसब तो चिराग पासवान के जानै छियनि, आब किनका पार्टी में छथिन से तो हम चिराग पासवान के जानै छियै। मोदी जी के नै जानै छियै? हाँ हाँ, हैदराबाद के नै जानबै हुनका। की नाम भेलै अहाँके? देवू मंडल। देवू मंडल गाँव पटोर भेलै बगले।